हेलो साथियों, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? तो आई होप सभी लोग अच्छे होंगे, सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो साथियों, आज मैं आ गया हूँ आप सभी का बेसिक जो नॉलेज है उसको रिवीजन करने के लिए। आज हम लोग बात करने वाले हैं फार्मेसी का, जो हमारा टॉपिक है बेंजीन। ठीक है, बेंजीन के बेसिक हम बारे में जानेंगे यहाँ पे। और आज हमारा ये पहला वीडियो है आप सभी के लिए, तो बेंजीन के बारे में हम लोग जानेंगे। उससे पहले आप सभी लोग जितने भी आपके डाउट्स हैं, आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा, हम उसका सारा सोल्यूशन आपको दे देंगे। तो सभी लोग अच्छे होंगे साथियों, और चलिए हम शुरू करते हैं। और आपका अपना यूट्यूब चैनल फार्मा एजुकेशन में स्वागत है साथियों। ठीक है, तो चलिए आज का जो टॉपिक है उसको हम डिस्कस करते हैं और अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हम लोग अभी लगभग 5-6 जो वीडियो हैं उनको बेसिक से हम क्लियर करते हुए चलेंगे। ठीक है, और उनको बेसिक से समझते हुए चलेंगे। ठीक, तो जितने भी बेसिक आपके डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे, जिससे आपकी होने वाली क्लासेज में दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं, आइए देखते हैं यहाँ पे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है साथियों वो है बेंजीन। क्या है आज का जो हमारा टॉपिक है? वह है बेंजीन। तो चलिए हम बेंजीन के बारे में कुछ समझते हैं। ठीक है, तो बेंजीन, ठीक है, तो बेंजीन के बारे में बेसिकली हम लोग पहले जानते क्या है, बेंजीन होता क्या है, बेंजीन के फार्मूला क्या होता है, बेंजीन की डिफिनेशन क्या होती है, ठीक है, इसको और क्या कहते हैं। तो ढेर सारी बातें हम यहाँ पे इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो सभी लोगों को क्लियर दिख रहा होगा साथियों, तो आइए तो देखते हैं। बेंजीन जो होता है साथियों, वो होता है हमारा एक प्रकार का, क्या होता है, हाइड्रोकार्बन होता है। बेंजीन हमारा क्या होता है, एक प्रकार का ऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड होता है, जिसमें क्या होता है, उसका जो केमिकल फार्मूला होता है वो होता है C6H6 होता है। ठीक है, बेंजीन क्या होता है, बेंजीन इज अ ऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड विथ मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H6 होता है। ठीक है, तो पहली बात आपको याद रखना है कि जो बेंजीन होता है, सभी को क्लियर दिखेगा, चलिए, बेंजीन इज अ केमिकल, ठीक है, बेंजीन इज द क्या है, ऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड। बेंजीन इज द ऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड ठीक है, ऑर्गेनिक, वो बेंजीन क्या है, बेंजीन इज द ऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड। इतनी बात समझ में आ गई, विथ द मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, विथ द मॉलिक्यूलर, विथ द मॉलिक्यूलर फार्मूला फार्मूला क्या होता है साथियों, C6H6 क्या होता है, C6H6, ठीक है। द बेंजीन मॉलिक्यूल इज कंपोज्ड ऑफ क्या होता है, इतनी बात आप सभी को समझ में आ गई होगी। पहली बात तो क्या है, बेंजीन इज द ऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड, ठीक। दूसरी बात, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होता है वो होता है C6H6। अब तीसरी बात क्या है कि जो बेंजीन होता है वो कंपोज्ड होता है किसके साथ, कार्बन और हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। उसमें क्या होते हैं, 6 कार्बन होते हैं और 6 हाइड्रोजन होते हैं, मतलब प्रत्येक कार्बन से एक हाइड्रोजन जुड़ा होता है, ठीक, क्या होता है, जुड़ा होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, यहाँ पे द बेंजीन मॉलिक्यूल इज द बेंजीन मॉलिक्यूल इज कंपोज्ड 6 कार्बन, कितने कार्बन से, 6 कार्बन। इतनी बात सभी को समझ में आ गई, 6 कार्बन एटम ज्वाइंड क्या होते हैं, 6 कार्बन एटम ज्वाइंड इन द प्लेनर, 6 कार्बन एटम ज्वाइंड, ठीक है, कैसे ज्वाइंड होते हैं साथियों, ज्वाइंड इन अ प्लेनर रिंग, ठीक है, ज्वाइंड इन अ प्लेनर रिंग विथ किसके साथ, हाइड्रोजन एटम
एटम अटैच्ड, अटैच्ड होता है, क्या होता है साथियों, अटैच्ड होता है टू ईच कार्बन, ठीक है, टू ईच कार्बन। बात समझ में आ गई, एक बार फिर से देख लीजिए, ध्यान से समझते चलिए, इसको याद भी करते चलिए, ठीक है। तो बेंजीन इज अ ऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड विद द मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये सबको पता होगा, C6H6। नहीं पता है तो ध्यान से सुन लीजिए, ठीक है। द बेंजीन मॉलिक्यूल्स इज कंपोज्ड इज द सिक्स कार्बन एटम्स, जो कंपोज होता है, बना हुआ है, ठीक है, ज्वाइन इन द प्लेनर रिंग विथ द हाइड्रोजन एटम्स अटैच टू ईच कार्बन, जो हाइड्रोजन है वो प्रत्येक कार्बन के साथ अटैच्ड है, जुड़ा हुआ है, ओके। इतनी बात सभी को क्लियर हो गई, अब आइए आगे देखते हैं, ठीक। इतनी बातें समझ में आ गई साथियों कि नहीं आई? अब हम यहाँ पे ये बातें अगर समझ में आ गई है, तो बेंजीन को हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन, ठीक है। बेंजीन इज अ हाइड्रोकार्बन, ठीक है। अब हाइड्रोकार्बन क्यों कहते हैं, क्योंकि जो बेंजीन है वो सिर्फ दो चीजों से मिलकर बना है, आप यहां पे देख सकते हैं, चल अल्टरनेट यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका बेंजीन, क्या हो गया, बेंजीन हो गया, ठीक है। यहाँ पे कार्बन प्रेजेंट होता है, आप यहाँ पे हाइड्रोजन लगा सकते हैं, ठीक है, दिस, ओके। तो बेंजीन इज अ हाइड्रोकार्बन, ये हाइड्रोकार्बन और कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है, इसलिए इसे हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अल्टरनेट डबल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड, और उसको हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, इट हैज कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। इसके पास क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड भी होता है, कार्बन कार्बन के बीच भी कोवेलेंट बॉन्ड होता है, और हाइड्रोजन कार्बन के बीच भी कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई साथियों, चलिए हम इसके आगे थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। चलिए साथियों, आइए हम लोग देखते हैं इधर इस जो पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट को हम समझते हैं, ठीक है। बेंजीन के बारे में ही हम समझने वाले हैं, बेंजीन के और क्या क्या फंक्शंस हो सकते हैं, मैंने अभी आपको डिफिनेशन समझाया, अब बेंजीन के बारे में समझाते हैं। देखिए साथियों, जो हमारा बेंजीन होता है वो रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, रूम टेम्परेचर पे कलरलेस होता है, कैसा होता है, कलरलेस होता है, ठीक है, कलरलेस होता है। बात समझ में आ गई। अब अगर हम इसकी बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं, तो बेंजीन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 80 डिग्री सेल्सियस होता है, कितना होता है, 80 डिग्री सेल्सियस होता है। नेचुरली प्रेजेंट इन द क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल की तरह ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये क्या होता है साथियों, इसका जो स्मेल होता है वो पेट्रोल के जैसे होता है, कैसे होता है, पेट्रोल के जैसे इसका स्मेल होता है, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई, कैसे, पेट्रोल के जैसे इसका स्मेल होता है। इट हैज कौन सा, इनमें कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है, तो इनमें जो प्रेजेंट होता है वो कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है। इट हैज द एरोमेटिक कंपाउंड, और यह एक प्रकार का एरोमेटिक कंपाउंड भी है। अब एरोमेटिक कंपाउंड क्यों साथियों, बेसिकली जो बेंजीन का करेक्ट स्ट्रक्चर होता है मैं आपको वो बताने वाला हूँ, तो ध्यान से देखिएगा और ध्यान से समझिएगा। तो चलिए देखते हैं बेंजीन का जो करेक्ट स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है। तो यहाँ पे मैं बना रहा हूँ, ये क्या है, ये बेंजीन का करेक्ट स्ट्रक्चर है, ठीक है। बेंजीन का करेक्ट स्ट्रक्चर इसलिए है क्योंकि ये एरोमेटिसिटी प्रदर्शित करता है। अब कैसे एरोमेटिसिटी प्रदर्शित करता है, जो कार्बन है, ये जो बॉन्ड है, ठीक है, ये जो कोवेलेंट बॉन्ड आपको दिखाई दे रहा है, ये इसके इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फ्री होते हैं और घूमते रहते हैं, ठीक है, क्या होते रहते हैं, घूमते रहते हैं, मूव करते रहते हैं, इसलिए ये एरोमेटिसिटी प्रेजेंट करता है, दिखाता है, ठीक है। ये इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा, है ना, ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा निगेटिव चार्ज हो जाएगा, फिर ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, इस तरीके से ये आपका क्या होता जाएगा, ये चलता रहेगा, ठीक। इतनी बातें समझ में आ गई, तो ये है इसका करेक्ट
स्ट्रक्चर आपको ज्यादातर समझने के लिए ठीक है ये दिखाया जाता है, या तो फिर और अलग तरीके से, लेकिन जो करेक्ट स्ट्रक्चर है वो बेंजीन का ये है। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। इट हैज अ एरोमेटिक कंपाउंड, ये एक प्रकार का एरोमेटिक कंपाउंड, इतनी बात समझ में आ गई। और देख लीजिए, कार्बन और कार्बन के बीच में भी कोवैलेंट बॉन्ड पाया जाता है, कोवैलेंट बॉन्ड, और हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में भी कोवैलेंट बॉन्ड पाया जाता है। इतनी बातें समझ में आ गई सभी को, क्लियर हो गया। अब चलिए हम एग्जांपल्स को समझते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे हम देखते हैं कि बेंजीन का क्या कैसे होता है आगे। तो बेंजीन जो होता है यह एक प्रकार का स्टेबल मॉलिक्यूल्स है, क्या है, स्टेबल मॉलिक्यूल्स है। और बेंजीन यदि हमारे बॉडी के अंदर ठीक है किसी कारणवश ज्यादा हो जाती है तो वो क्या करती है, कैंसर काज करती है। क्या काज करती है, कैंसर काज करती है, जो हमारे लिए डेंजरस हो सकता है, खतरनाक हो सकता है। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। ये स्टेबल मॉलिक्यूल्स है ठीक है, और ये क्या है, कैंसर काज करती है। इतनी बात समझ में आ गई। नो हैव एडिशन रिएक्शन विद बेंजीन, बेंजीन के साथ किसी भी प्रकार का एडिशन रिएक्शन नहीं होता है। ठीक है, बेंजीन के साथ जो रिएक्शन होता है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। कैसा रिएक्शन होता है, वह सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। ठीक, अब हम बात करते हैं यहाँ पे बेंजीन्स के द्वारा, बेंजीन्स को मिला करके ठीक है, यहाँ से जैसे कोई ये प्रोटॉन को निकाल दिया, ठीक है, ये प्रोटॉन को हमने रिमूव कर दिया, ठीक है, प्रोटॉन को हमने क्या किया, रिमूव कर दिया। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये मैंने यहाँ पे ये प्रोटॉन निकाल दिया, ठीक है, इधर से भी एक प्रोटॉन निकाल दिया, यानी हम इसमें से कई प्रोटॉन्स को निकाल सकते हैं, इसमें सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ठीक है, प्रोटॉन्स को हटा सकते हैं लेकिन इसमें कुछ ऐड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, प्रोटॉन्स को हटा करके हम जब दूसरे क्या करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को इसमें ऐड करते हैं, तो एक प्रकार से हमारा क्या होता है, मेडिसिन बनता है। ठीक है, अब हम लोग मेडिसिन के बारे में जान लेते हैं। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे आप, बेंजीन्स के द्वारा किसका फॉर्मेशन किया गया है, एस्पिरिन का। किसका फॉर्मेशन किया गया है, एस्पिरिन का फॉर्मेशन बेंजीन्स के द्वारा किया गया है। ठीक है, तो ये सारे थे टॉपिक्स आपको डिस्कस करने के लिए। मैंने यहाँ पे एग्जांपल्स भी आपको दे दिया, पैरासिटामॉल हो गया, एस्पिरिन हो गया। ठीक है, तो ये आपके मैंने मेडिसिन या पेन किलर्स का फॉर्मेशन होता है, मैन्युफैक्चर होता है बाई बेंजीन्स के द्वारा। बट याद रखिएगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इनमें प्रेजेंट होती है और एडिशन रिएक्शंस नहीं होती है। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा, ये टॉपिक समझ में आ गया होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है, समझ में आ गया, तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू, देखते रहिए।